मोतिहारी भाजपा कार्यालय से मोतिहारी के सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने वीडियो लिंक द्वारा 3 स्टेशन का लोकार्पण और 8 स्टेशन का शिलान्यास का बटन ऑन कर लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उस क्रम में सरकार और विधायक अपने अपने क्षेत्र में शिलान्यास का दौर शुरू कर दिया है। इस क्रम में सांसद राधामोहन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले सभी स्टेशनों का ऊंचीकरण और प्लेटफॉर्म निर्माण, भवन निर्माण और FOB का लोकार्पण और शिलान्यास का बटन ऑन कर शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, पिपरा विधायक श्याम बाबू राय और भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मोतिहारी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चकिया स्टेशन के कोबी के निर्माण का शिलान्यास मोतिहारी निहारा मेसी पिपरा एवं चकिया स्टेशनों के लगभग 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास से उद्घाटन हुआ। इसमें जो FOB है मोतिहारी और मेहसी का, उसका उद्घाटन हुआ है। और इसके अलावा ये सभी स्टेशनों पर जो दो नंबर का प्लेटफार्म, तो वो जहाँ नीचा है उसको ऊंचीकरण का भी कार्यक्रम इसमें है और बिल्डिंग निर्माण का भी है। मैं रेल मंत्रालय का, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि इसके पहले भी विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए उन्होंने स्वयं आकर यहाँ शिलान्यास किया था और जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। मोतिहारी स्टेशन बापू धाम नाम था लेकिन बापू धाम के रूप में दिखाई दे रहा है। और 8 करोड़ 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, तो हमारे जितने स्टेशन्स हैं उनके लुक में काफ़ी परिवर्तन होगा। इससे यात्री सुविधाएं बढ़ेगी और रेलवे के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत चंपारण की जनता की ओर से, रेल यात्रियों की ओर से, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और रेलवे के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।